विस्तार से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये 2000 की बात है, वो इन्होंने जगह ली थी शहरों में, जगह ली थी और 2000 में इन्होंने जहाँ पर दुकानें बनाई हैं और उसकी बाउंड्री पाल की हुई है। कौन लोग हैं ये जोगिंदर पाल जी हैं जिन्होंने जहाँ जगह की ली थी तो उसकी चारदीवारी की थी, चार दुकानें बनाई हुई है, बाकी सब ठीक चल रहा है। लेकिन पिछली 4-5 दिन की बात है तो किसी ने रात को ये बताया, ये जो कह रहे हैं कि हमारी दुकानें तोड़ी, वो हमने देखी है दुकानें टूटी हुई है, शटर लोग लेके गए हैं, लेकिन हम रहते हैं गांव ऊपर में, ये हमें एक्चुअल में पता नहीं किसने ली है। लेकिन जो लोगों के बयान के मुताबिक कि ये जो काम किया ये प्रेमनाथ और लक्ष्मण दास हैं, दो भाई हैं जिन्होंने ये साथ तोड़फोड़ की है और इनका सामान जहाँ से लेकर चले गए हैं। लेकिन इनका सिर्फ ये कहना नहीं है, लेकिन ये 20 साल से जहाँ रह रहे हैं, इनके घर डिंगम है, थोड़ी देर के लिए जो डिंगम में रहते रहे, अभी भी डिंगम में रिहायश रखी है, काम जो दयाला चक में करते हैं, क्योंकि दयाला इधर गांव में काम कम हो गया, उसकी वजह से ये दयाला चक चले गए, दयाला चक से लगातार ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या मामला है, कह रहे हैं कि इनके जो हस्बैंड है उनको भी पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, क्या मामला क्या है? नहीं देखो, जो तोड़ फोड़ इन्होंने की है, दो तो बयान दिए होंगे लोगों ने कि इन लोगों ने तोड़ भी की है, जब तोड़ फोड़ होगी पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड जाएगा तो पुलिस ने अरेस्ट तो करना ही है। अच्छा। अभी कल की बात पर ये बता रहे हैं कि कल ये शाम को डिंगम से दयाला चक जा रहे थे तो इनके दोनों भाई ये जो बता रहे हैं कि लक्ष्मण दास और प्रेमनाथ जो थे दोनों, उन्होंने रास्ता रोका हमारी गाड़ी पर पथराव किया, वो टोके वगैरह लेकर बैठे हुए थे, पता नहीं इनकी क्या आपस में चल रही थी। ऐसा जी खुदा का हम शुक्र करते हैं भगवान का कि किसी की कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ऐसा करना भी एक गुनाह है, क्यों किसी का रास्ता रोकना? कोर्ट में भी मामला चल रहा है। ये कोर्ट में लगातार मामला चल रहा है, कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, कि स्टे के बावजूद तोड़फोड़ करना ये तो कोर्ट की भी तोहिन है। हम ये जो कहते हैं कि ठीक है जिसकी भी कोर्ट फैसला करे, अगर उनके उनको मिले, इनके तो उनको मिले, लेकिन ये कहने का ऐसे तोड़फोड़ करना कोर्ट के स्टे के बावजूद ऐसी बातें करना अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई आएगा बताएगा तो तभी सुनेंगे ना जी। जैसे इनको तकलीफ हुई, इन पर रात को अटैक किया उन्होंने या इनकी दुकानें तोड़फोड़ की, इन्होंने हमें बुलाया, तो सरपंच का ये काम है कि दोनों पक्ष को सुनना है, लेकिन दूसरा पक्ष आएगा नहीं, कोई अपनी बात बताएगा नहीं तो सरपंच उसके पास थोड़ा जाएगा। हम जो उनसे भी कह रहे हैं आप हमारे पास आइए बैठिए, जो बात है दूर करिए, लेकिन मैं ये आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी पब्लिक कह रही जा रही है, 20 साल से ये लगातार दुकानें बनी हुई, आज क्या नौबत आ गई इनको तोड़ फोड़ करने की? अगर इनके कोर्ट में केस चल रहा है, अगर कोर्ट फैसला देती है तो इनकी हो जाएगी, अगर कोर्ट इनके खिलाफ देती है फैसला तो इनको मानना चाहिए। क्या जी मसला और क्या नाम है? मेरा नाम शिवदेव सिंह है जी, और ये जितने भी लोग ये आए हुए हैं, कम से कम 15-20 गांव से लोग इनके ही बुलाए हुए आए हुए, ठीक है, जितने भी लोग हैं 150 हैं या 200 हैं, इनमें से कोई भी एक भी बंदा अगर ये बोल दे कि नहीं जी जमीन इनकी नहीं है, इन्होंने खरीदी नहीं है, या इनकी दुकानें नहीं है, या जहाँ कोई किराएदार नहीं था, एक भी बंदा बोल के दिखा दे कि नहीं। इस बात को हमने जहाँ रोजाना 2-4 साल से इनको हैरासमेंट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ बैठ के बात को मुकाना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। आज सारी जनता ही है, बुलाई है, अगर आए हैं तो बात को हम ख़त्म करने के लिए ही आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक भी यहाँ नहीं है, सब छुप गए हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बैठ के बात करो ना कि हाँ हमारी दुकानें आए, सामने बात करें, उनकी दुकानें हैं तो बैठ के सामने बात करें कि दुकानें हमारी हैं, उनके कहने से ये दुकानें उनकी नहीं हैं, जनता बोल रही है कि दुकानें इनकी हैं, इन्होंने जमीन पैसे से ली है, जमीन इनके पास रजिस्ट्री है, जिन्होंने जमीन दी है वो यहाँ इस समय मौजूद है, वो बोल रहे हैं कि हमने जमीन इनको बेची हुई है, तो बात को बैठ के मुकाना चाहिए और इनके साथ कॉपरेट करो, गवर्नमेंट को आगे इस बात को बढ़ाओ कि उनको इनके साथ हैरासमेंट लोग इनको दे रहे हैं बार बार परेशान। 1996 ली ही, तो 2000 मैं रजिस्ट्री कराई अपने नाँ की, रजिस्ट्री कराई, उस बाद मैं दुकाना बनाई, त्रै दुकाना एक कच्ची रसोई बनाई है पब्लिक से। अच्छा, उस 2003 मैं भी कुदे को ले ही तुसी दुकान? मैं ले ही जगह गंगे राम हुंदे कोला। अच्छा, उंदे मुंडे भी आ रहे थे, उंदे मैं गंगे राम हुंदे कोला ले ही। अच्छा अच्छा, हां इंदे इंदे कोला ले ही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गंगे राम हुंदे कोला ले ही, और उस दे बाद ए मैं 2000 मतलब इनकी जी दुकाना, चार दुकाना बनाई 2000 विच, उस बाद 2003 विच मैं लास्ट चौथी दुकान भी तैयार की, तो उस बाद चौथी दुकान जो तैयार की थी, उस वे भी इन्हें सारे कहना मेरे कहना, मेरी कुड़ी का ब्याह है 2003 च, उस वे भी मेरे ने पंगा पाने पंगा किया इन्हें, तो फिर उस बाद इनके डैडी ने मेरे को माफ़ी मंगी, इनके बड़े भरा को माफ़ी मंगी, तो मेरे को साढ़े को गलती हुई थी, तो अस अगे नहीं करते, उस ठीक चाल चलता रहा,
उसके बाद हूँ देखो दोबारा हूँ सारे ने सारी चार दीवारी तोड़ी इतनी है चबखा तोड़ी इतना इन जगह के चाहते हैं अच्छा मेरे मुड़े का ब्याह ना तो मिगी इस वेल हरासमेंट करा दें यह आखिर भी मतलब कुछ चली साढ़े को जगह असें देिए हाँ मतलब साढ़े मतलब अभी मतलब प्रेशर पा दे मतलब हूँ कोर्ट च केस चला दा कोर्ट च केस चला दा कोर्ट कोर्ट च केस चलने के बावजूद इन्हें यह दोबारा तोड़ी जाने जबरदस्ती थोड़ी जगह बनी दी इनकी जगह 2000 में तुम्हें सुना ना 2000 बीच में जगह रजिस्ट्री कराई तो 1996 की जगह ले दी मैं रजिस्ट्री को देना है रजिस्ट्री मेरे नाम जोगिंदर कुमार मेरा नाम जोगिंदर अच्छा हूँ तुम क्या चाहते हो मेरा कहना इनके को मतलब जिनकी ये जो मतलब गुंडागर्दी पा दी है तोड़ फोड़ की है इसलिए मतलब इनके कोई होना चाहिए बाकी मेरा एक्शन होना चाहिए मैं इतना आना जाना होंगे मैं आते जाते 24 घंटे का खतरा है कल शामी वेले भी कल राती वेले भी इन्हें साढ़े बड़ा बड़ा किया मैं अपने ग्रां गेदा हा इयै मीटिंग सदनी ही कि मेरे कहना भाई मेरे मुड़े का ब्याह है तो मेरे पर इन्हें दोबारा हरासमेंट नहीं किया और कोर्ट में मेरी तरीक पाई थी 8 तरीक साढ़ा ब्याह है 8 तरीक की मेरी तरीक है उसके बाद कल मैं एप्लीकेशन दी थी तो जनानी आखिरी असं जनानियां होंगे अस कुछ भी फसाई सकते हैं अपना इल्जाम कुछ पर भी इल्जाम लाई सकने और एक गल इन्हें कुछ आखी चौकी दे बिच आखी चौकी दे बिच आखी कपड़े इन्हें आखिया अस कपड़े फाड़िया मतलब कुछ फसाई सकते हैं ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਕਾਲੀ ਰਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਫਸਾਈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਗੱਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ट्रांसफर हो गया है ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ 9 ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਡੋਗਰਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਆਪਣੇ 14 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਇਲੀਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਵਕਤ ਕਨੇ ਉਸ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਗੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਛੰਡੀਆਂ ਮਾਰੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਇਹ ਕੋਣ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟੀ ਸਕਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਆਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਛੱਡਣੀ सरकार आई थी तो हम बहुत खुश हुए थे हम कुछ बीजेपी कट्टर बीजेपी के सपोर्टर हैं तो हम सोचते थे कि ये भ्रष्टाचार खत्म होगा गुंडागर्दी खत्म होगी लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये भ्रष्ट प्रशासन का हाथ और ये गुंडों का विकास इस समय जो सिर्फ हो रहा है क्या हो रहा है जो करप्ट अधिकारी हैं वो अपना हाथ रख रहे हैं और विकास हो रहा है जो शरारती तत्वों का शरीफ आदमी की कोई सुनवाई नहीं है कोई नहीं सुनने वाला शरेआम धमकियां दी जा रही हैं तो मैं मोदी साहब से अपील करता हूं इस बात पे करप्ट अफसरों के ऊपर एक्शन लें खासकर ये तहसील रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे तहसील मुख्य के प्रेसिडेंट हैं और इससे यहां से जो अर्थ ट्रांसफ़र हो गया पटवारी भानी जो भी यहां से ट्रांसफ़र होकर नंदन में गया ये सारी कारगर्दी तहसीलदार और एक्स पटवारी की है पटवारी इनके घर में 10 साल किराए पर रहा मतलब आप खुद समझ सकते हैं तहसीलदार का भी इनके घर में अच्छा मुझे ये बताइए हमारे जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस के डिपकॉम में राघव लंकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्या मैसेज जो है आप देना चाहते हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो इस तरह के रक्षा अधिकारी हैं
उनको इमीडिएटली उनके खिलाफ एक्शन ले और मतलब जो जनता को आपसे बहुत सारे ज़्यादा उम्मीदें हैं और उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरे, सही फैसले दें और एक मतलब लोगों के लिए पब्लिक के लिए मिसाल पेश करें ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेके। ट्रांसफर से सर कुछ नहीं होगा, जो इन्होंने गंद इधर डाला है ये दूसरी जगह के पे भी डाल के इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, इनकी पेंशन रोकी जाए और इन्होंने जो घोटाले किए हैं उसको सारा सामने लाया जाए। खाली तहसीलदार नहीं, पटवारी को भी, जो एक्स पटवारी बानी है उसको भी, इनका पूरा सर असेंबली रिकॉर्ड चेक किया जाए इनकी, मतलब ये बहुत बड़ा नेक्सस है कोई। बिल्कुल जी, आरटीआई के आगे इनको अपील करता हूँ और मैं तो आईसीबी को भी बोलता हूँ वो भी इनके खिलाफ थोड़ा सा एक्शन दे। रूरल बैंक हमारी दुकानों पे रेंट पे लिया हुआ था, पहले रूरल बैंक था बाजार में ऊपर डिंगम बाजार में, उसके बाद वहां से उन्होंने शिफ्ट करा हमारी ये नीचे वाली दुकानें यही शॉप पे, इन्हीं शॉपों में से एक शॉप पे रूरल बैंक ने रेंट पे लिया था, एक साल रहा वहां पे, उसकी पक्के रसीदे हैं, पक्का रेंट आया हुआ है अकाउंट में, वो सारी डिटेलें हमारे पास पड़ी हुई है। उसके बाद जितने भी दो से तीन बंदों को और उन्होंने रेंट पे ली थी दुकानें, एक फोटोग्राफर थे उन्होंने भी हमसे दुकानें किराए पे ली हुई थी और वो भी हमें रेंट देते थे, एक हमारे गढ़ के थे सरदार सिंह जी, उन्होंने भी हमारे से रेंट पे दुकानें ली थी, उन्होंने यहाँ पे दुकानें रेंट पे करी हुई है और उनका भी किराया हमारे पास आता है। हाँ, और अभी कुछ देर से ये अभी दुकानें खाली हैं, नहीं तो जब बनी थी उसके बाद ये रेगुलर दो तीन दुकानें रेंट पे चढ़ी रही थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज जो एक कमेटी ने आपने मीटिंग की है, क्या फैसला हुआ इसके बीच? सर फैसला यही हुआ, गांव वालों ने तो यही बोला कि हम आपके साथ हैं, ये आप नहीं, आप किसी भी इतने सारे बंदे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हम खुद नहीं कह रहे, आप किसी भी बंदे से भी पूछ लीजिए जो यहाँ आए हुए हैं कि ये दुकानें किनकी हैं और किन्होंने बनाई हुई है, और किसी भी बंदे से, अनजान बंदे से भी आप पूछ लीजिए, हमारे अलावा पूछ लीजिए किसी भी बंदे से कि वहां पे डिंगिया बड्डे पे दुकानें हैं, जो ये वाली दुकानें हैं वो किसने बनाई और किनकी जगह है, एक भी बंदा आपको बोल जाएगा कि इनकी दुकानें नहीं है सर, तब बात करना आप। अंग्रेज सिंह जी, ये जगह तुहाडे कोलों लई है इन्होंने? अच्छा, सब कुछ सड़क का मुआवजा लेना है, मुआवजा लेना तुम्हें लेना सड़क का मुआवजा? अच्छा, किन्नी जगह ही थोड़ी इतने? 17 तुम बेचे दी है? नहीं, ठीक है। डिंगाम में आया है जो आपके जुरिडिक्शन में पड़ता है, वहाँ पे कुछ जगह का मसला है और लोगों ने काफ़ी इल्ज़ाम जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे लगाए हैं और आपको उस जगह का संज्ञान भी होगा जो ये मामला है, क्या कहना चाहते हैं आप जो लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उस पर आपका क्या कहना है? जी, पहले तो त्रिशल जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस चीज़ को मतलब अपने मीडिया से उजागर करने की कोशिश की, सच्चाई बाहर लाओगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मसला है ये इनका कोई 2006 का एक इंतकाल हुआ है, उसमें इनका कहना है कि जो इंतकाल हुआ है, जो पार्टी जो दूसरी बीच में आ रही है वो कह रही है कि ये इंतकाल जो है इनका दूसरी जगह हुआ और पोजेशन इनकी हमारे नंबर में है, और उस पार्टी ने मेरे को एक एप्लीकेशन दी थी निशानदेही करने के लिए, और दूसरे ही दिन जैसे ही हमने निशानदेही नायब साहब को लिखा पर इसकी निशानदेही करो, तो ये दूसरे दिन ही एसडीएम साहब की कोर्ट से स्टे लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद इनका एसडीएम साहब की कोर्ट में एक केस चल रहा, एक सुना मैंने अभी सिविल कोर्ट में केस चल रहा, मेरे पास तो कॉपी कोई आई नहीं है, एक मेरे पास डाकट आया है निशानदेही के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ से, उसके बाद कल एक कमीशन भी मुकर्र हुआ है जिसमें नायब साहब चडवाल जो हैं वो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, वो इसकी निशानदेही करेंगे कि ये वाकया ही जो ये एलिगेशन लगा रही है दूसरी पार्टी की, जो पोजेशन हमारी जगह में है वो सही में उनकी जगह में है या जहाँ जिस नंबर पर उन्होंने खरीदा है उस पर है, ये है इसका मेन। उन लोगों का ये भी कहना है कि 2006 में जब निशानदेही हुई थी उस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही ये लिख के देता है कि जोगिंदर जो हैं वही मतलब कि इस जगह के मालिक हैं और ये जो चार दुकानें जो हैं इनकी ये इन्हीं की हैं, तो उनका ये कहना है कि 2013-14 में उनका ये कहना है कि नायब, उस वक्त आप नायब तहसीलदार थे वहाँ पे और पटवारी जो था वो वानी था जो कि
डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है कोई किया, गलत किया गया, और जो है दूसरी पार्टी जो प्रेमनाथ है, शायद प्रेमनाथ है, उसकी उनकी गिरदोरी जो है वो चढ़ा दी गई। उनका ये कहना है कि 2006 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिख के दे रहा है कि ये मालिक है, और 2013-14 में उनकी गिरदोरी कैसे चढ़ जाती है? ऐसा है त्रिशल जी, 2006 में ठीक है कोई हो ही होगी, मुझे उसके बारे में इतना वो नहीं है। एक बार एक कॉपी इन्होंने दिखाई थी कहीं पुरानी, कोई फोटो स्टेट मेरे को कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसके बाद जो 13-14 की ये गिरदौरी कह रहे हैं, ऐसा तो कोई हुआ नहीं। अगर हुआ है तो इन्होंने कोई उसका नकल लेके दिखाना चाहिए कि किसने चेंज किया है। मेरे पीरियड में तो हुआ नहीं, मैंने तो नहीं किया है। तो उनका यही कहना है कि जो सुनील डोगरा जी है उनका काफी शेल्टर है इन लोगों को, जिसके कारण जो है हम लोगों को हरास किया जा रहा है, और जो डिंगाम का पूरा गांव है वो उनके हक में है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो दूसरी पार्टी के हक में। उस पे आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना होता नहीं है। मैं तो सीधा अपने दफ्तर में जाता हूँ, दफ्तर से वापस आता हूँ, मुझे किसी से कोई उठना बैठना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अभी कोई बोलने को कुछ भी बोले, लेकिन उसमें बोलने के लिए कुछ तो उनके पास होना चाहिए ना, क्या उनके किस किस्म की शेल्टर हो रही है। जब केस SDM साहब के पास चल रहा है, एक सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो मेरे पास शेल्टर की कोई बात ही नहीं। 1996 में जब उन्होंने जगह ली थी, और 2012-13 में उन्होंने, उनके साथ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि दुकानें बन गई, सब कुछ बन गया, हर एक चीज हो गई, कोई नहीं बोला। उनका ये कहना है कि 13-14 में जब वहां पे आप आए तो ये मामला जो है ये उजागर हुआ, और उसके बाद जब 19-20 में आप दोबारा एज ए तहसीलदार वहां पे बन के गए, तो ये मामला जो है फिर दोबारा से जो है वो तूल पकड़ रहा है, और गाँव में काफी माहौल जो है वो खराब हो रहा है। उस पर आपका क्या कहना? देखो जी, ये जो इनका ये मसला है, इनका आपसी मसला है, उसमें तहसील ऑफिस का कोई लेना देना नहीं इनके साथ। एक ने जमीन खरीदी है, एक ने पोजेशन ली है, 2006 से भी पहले, वो आज तहसीलदार उसको क्या करेगा? ये आपस में इनके झगड़े चल रहे हैं। एक पार्टी ने SDM साहब को लिखा कि ये पोजेशन जो है इनकी गलत है, पोजेशन जो है वो हमारी जगह में है। ये कहते हैं जी नहीं जी, पोजेशन हमने जहाँ खरीदी वहाँ है, उसमें तहसीलदार का कोई रोल ही नहीं है। 13-14 में इनका ये कहना है कि उस वक्त भी आपके रहते वहां पे इन लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी, और अब जब आप दोबारा एज ए तहसीलदार बन के गए हो तो आज इनकी दीवारें तोड़ दी गई, आज इनके शटर चोरी हो गए, तो उन पूरा उन्होंने मतलब कि आपके ऊपर इल्जाम ये लगाया है, और पटवारी जो वानी है और गिरदावर है उन पे इल्जाम है कि सारी शेल्टर जो है वो इन्हीं को जो है, इन्हीं के बलबूते पर जो है सब कुछ। आप मेरे को बताएं कि पुलिस चौकी उस दुकानों के साथ में बनी हुई है, मेरा ऑफिस उससे 100 मीटर दूर बना हुआ है, मुझे क्या उन दुकानों से क्या लेना देना है? कोई कब तोड़ रहा है, कब क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन उनका, पुलिस चौकी उनकी दुकानों के साथ में है, तो उन्होंने देखना है किसने तोड़ी, क्या की है। मेरे को इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा उससे लेना देना कोई नहीं है। मेरा उसमें अभी कोई उसकी निशानदेही तक जो इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, वो जैसे ही शुरू हुई तो उसको स्टे करा दिया गया, जहाँ तो पता चलता निशानदेही करके। अब उसको कमीशन बैठा है, कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा, उसमें तहसीलदार का उसमें कोई लेना देना नहीं। आपस में ये झगड़ेंगे तो उसमें तहसीलदार क्या करेगा, जनाब तहसीलदार क्या करेगा? क्या मैसेज देना चाहते हैं वहाँ के लोगों को? नहीं, लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में जो कोई अगर गलत एलिगेशन लगाता है तो इन चीज़ों को तूल नहीं देना चाहिए, सच्चाई में जाना चाहिए, सच्चाई में देखना चाहिए कि तहसीलदार वहाँ इनकी जमीन में जाके किसी को कोई उसके कागज चेंज कर रहा है, उसको पोजेशन दे रहा है, क्या कर रहा है, वो देखना चाहिए। ऐसे बिना देखे कुछ नहीं बोलना चाहिए। या तो रिकॉर्ड लेके आए भाई, कौन सा रिकॉर्ड कह रहा है जो चेंज हो गया है, वो दिखाएं रिकॉर्ड किसने चेंज किया, उसमें पूरा नाम पता लिखा रहता है, कौन नायब तहसीलदार था, कौन पटवारी था, कौन गिरदौर था, किसने चेंज किया। ऐसे किसी को बोल देना जी उनके टाइम में ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, उसको दिखाना चाहिए ना कुछ।